बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना नाज। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं पिछले पे मैंने आपको ऑरेंज पील पाउडर बनाना और मास्क बनाना सिखाया था, आज मैं आपके लिए क्रीम बनाना सिखाऊंगी आपको। ऑरेंज से घर बैठे बहुत आसान है, आप लोग सब यूज़ करेंगे, उससे आपकी बहुत स्किन ग्लो करेगी, सर्दियों ऐसी ड्राई होने लगती है स्किन। तो ये दोनों चीज़ें मैजिक प्लांट, जिसको मुझे तो वाकई मैजिक प्लांट लगता है, और बहुत ज़्यादा एलोवेरा के आपको मैंने पहले बेनिफिट बताए हैं कि इसमें कितने हमारी स्किन को दाग धब्बे दूर करता है एलोवेरा का जेल, और हमारी स्किन को साफ़ करता है, और सबसे बढ़ के कि सर्दियों के सीज़न में इसमें मॉइस्चराइज इतना होता है कि हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है, इसको मॉइस्चराइज को लॉक करता है एलोवेरा पूरा पौधा। तो मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना आपको बहुत ज़बरदस्त एक मैजिकल क्रीम बताऊं एलोवेरा और ऑरेंज के साथ मिलकर। तो फ्रेंड्स, हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, अब मैं रेमेडी स्टार्ट करती हूँ। वही ऑरेंज को हम पहले अच्छे से, हम सिर्फ एक ऑरेंज यूज़ करेंगे, एक ऑरेंज इसको और थोड़ा सा एलोवेरा। अगर आपके पास जेल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल को भी आप क्रीम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑरेंज को, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ऑरेंज में विटामिन सी भरपूर मकदार में पाया जाता है, वाफर मकदार में, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों ना हमने घर में क्रीम बनाए और फ़ायदा उठाएं, बाहर लेने से बेहतर है कि हम अपनी क्रीम खुद बनाएं और अपनी स्किन को हर साइड इफ़ेक्ट से भी सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक ऑरेंज हमने जिस तरह ले लिया है, हमें इसका पील ऊपर से, हमें सिर्फ इसका एक ऑरेंज का पील चाहिए। हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे, उसका जूस चाहिए। और ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा पूरा प्रोसेस, बहुत बहुत ज़बरदस्त क्रीम है ये। सर्दियों में ऐसे हम लोशन लगा के हमारी स्किन डल होने लगती है, ये आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, आपका कलर साफ करेगा, दाग धब्बे दूर, झाइयों से भी आपको निजात मिलेगा। बहुत अमेजिंग क्रीम है ये, सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये मैं इस तरह एक ऑरेंज का निकाल लूँगा। फ्रेंड्स, ये देखें, हमें एक किन्नू का ये इसका पील मिल गया है। हमने वाइट इसका हिस्सा नहीं लिया है, हमने इसका ऑरेंज का ऊपर जो है वो लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। पहले मैं इसमें मैं कोकोनट ऑयल डाल के इसको चूल्हे पे हम अच्छे से पकाएंगे। पहले मैं आपको उसको डालते हैं, मैंने इसको थोड़ा निकाल लिया था कोकोनट ऑयल एक प्याली में, सर्दी की वजह से वो भी जम गया है। हम एक चम्मच इसमें कोकोनट, एक चम्मच कोकोनट ऑयल मैं डाल के इसमें छोड़ दूँगी, सर्दी की वजह से ये भी जम गया है। छोड़ के मैं अभी इसको, जब मैं चूल्हे पर बताऊँगी इसको किस तरह पकाना है। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे। अब हम इसको लेंगे एक ऑरेंज, हम इसको हाफ पहले कट कर लेंगे एक इसको ऑरेंज, और आधा ऑरेंज का जूस हमें इस क्रीम में चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आधा ऑरेंज को कट कर लिया, मैं इसका जूस निकाल लूँगी। बहुत अमेजिंग क्रीम है ये, बहुत अच्छी क्रीम ये रेडी होगी, बहुत हमारी स्किन सर्दियों में आप खुद हैरान रह जाएंगे, अब यूज़ करेंगे डल होने के बजाय आपकी स्किन ग्लो करेगी। वैसे आपके शादी का सीज़न है और जिनकी शादी होने वाली हो तो लाजमी एक हफ्ते में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। रात को लगा के यूज़ कर लें सोने से पहले, दिन में किसी भी टाइम पे। बहुत अमेजिंग क्रीम है ये, हमने इस तरह एक ऑरेंज का जूस डाल लिया, क्योंकि वैसे इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने तकरीबन जूस निकाल लिया है फ्रेंड्स सब इसमें। अब फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, इसके जूस में हम एक चमची करी कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे, आधा चम्मच में कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करके हल्का हल्का इसको मिक्स करेंगे।
को हल्का हल्का मिक्स करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, मैं डबल बॉयलर पे कॉर्नफ्लोर और इसके जूस को इस तरह मैं कर रही हूँ। किसी देखिए, पानी गरम करके और हम इसको इस तरह थोड़ा पकाएंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी शक्ल चेंज हो शुरू हो गई है। फ्रेंड्स ये देखिए, इसकी शक्ल इस तरह इसने अख्तियार कर ली है। हम अब इसका फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखें, ये इस शक्ल की आ गई क्रीम है। ये देखें, इसको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इस शक्ल इसके इस तरह हो गया। अब फ्रेंड कोकोनट ऑयल और ये मैंने हमने पील का निकाला था। अब हम इसको इस पर एक चूल्हे पर डालकर इस तरह हम इसको 5 से 10 मिनट तक बारीक फ्लेम में हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। देखिए, इस तरह दोनों का जूस निकलेगा, कोकोनट ऑयल और ऑरेंज पील। ये देखें इस तरह, ये मैं अब छोड़ दूंगी इनको थोड़ी देर के लिए। वेट करें आप, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इसको ऑरेंज का जूस भी ऑयल निकलेगा, ऑरेंज का कोकोनट ऑयल दोनों हेल्प करके ये हो रहा है इस तरह। बहुत बारीक फ्लेम उसकी है, बहुत आँच आपको हल्की रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका देखिए येलो येलो सब निकल आया है अच्छे से। इसका ऑयल, कोकोनट ऑयल 1 टेबल स्पून हमने लिया था, ऑरेंज का लिया था। और अगर आपको लग रहा है थोड़ी कमी लगी है तो इसमें आप कोकोनट ऑयल और मिला सकते हैं, अगर आपको कोकोनट ऑयल 1 चम्मच कम लग रहा है। अभी पूरा रेडी हो रहा है। मैं इसको किसी मलमले कपड़े से छान के अब हम इसको निकाल लेंगे। 10 से 10 मिनट हो चुके हैं, 5 से 10 मिनट हमने पका लिया। अब मैं इसको प्याले में निकालती हूँ। फ्रेंड जी देखें, मैंने जो ऑयल रेडी किया था वो रेडी हो गया। और देखें, इसकी क्रीम की शक्ल अख्तियार कर ली है इसने। मैं अब इसमें ये आहिस्ते आहिस्ते मिलाऊंगी मिक्सर के, हम देखेंगे इसको। जितनी आपको इसकी देखी जाए थिकनेस इसकी, ना ज़्यादा पतली हो वो क्रीम की शक्ल की हो। हम इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा और ऐड करूँगी इसमें। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं ये विटामिन ई के 2 कैप्सूल इसमें ऐड करूँगी। जो मैं क्रीम बन रही है ऑरेंज की, मैं 2 कैप्सूल इसके ऐड करूँगी। मैंने विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड कर दिए। अब मैं ये एलोवेरा, अगर आपके पास वैसा है बाज़ार का तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर फ्रेश है तो बेस्ट है। ये हम इतना सा ले लेंगे इसको। जब भी मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी एलोवेरा लेकर आए ये प्लांट को तोड़ें तो लाजमी इसको आधा घंटा मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेट कर दिया था, इसका अच्छा येलो पार्ट निकल आया था। अब मैं इसको, इसका जेल हम इसको निकाल के इसमें ऐड करेंगे। और इस क्रीम को पैरों पे भी पैर हमारे ख़राब होने लगते हैं, हम इस तक कट ला लेंगे इसमें। और इसका ये जूस एलोवेरा का इसमें इस तक शामिल करेंगे। बहुत अमेजिंग क्रीम है, आप लाजमी इसको यूज़ करिएगा। सर्दियों में आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी। इस तरह हम इसका तमाम जेल निकाल लेंगे। और अगर ये मैक्सिमम सर्दियों का मौसम है, लाजमी है इसको बना के आप फ्रिज में बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि तो सर्दी इतनी है, 1 हफ्ता आराम से आपकी ये चल जाएगी। अगर आप वो वाला फ्रेश नहीं यूज़ करते, दूसरा कर रहे जेल, तो उसको भी आप 1 हफ्ता ही आपका 1-1 हफ्ते की बना के आप रख लें। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एलोवेरा जेल मिला के इसको अच्छे से आप मिक्स करें। मिक्स करने में थोड़ा इसकी मेहनत लगेगी। मिक्स करें, ये देखिए पूरी आपकी क्रीम रेडी है। ये देखिए इस तरह, बहुत अमेजिंग क्रीम है ये। इसमें एलोवेरा, ऑरेंज जूस, कोकोनट ऑयल
विटामिन ई के कैप्सूल, बहुत अमेजिंग बनेगी ये। कॉर्नफ्लोर आपको लग रहा है अगर आप बॉयल में पका रहे हैं आपकी गाढ़ा नहीं हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लें। आप आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करें, विटामिन ई के 3 से 4 कैप्सूल जाएंगे इसमें, एलोवेरा जाएगा, अगर फ्रेश है तो बहुत बेस्ट है, अगर फ्रेश नहीं है तो आप वाइट कलर का एलोवेरा कोई सी कंपनी का ले सकते हैं आप जेल, और इसको अच्छे से हम मिक्स करें। और जिस तरह मैं बताया था पहले जो हमने कद्दूकस किए थे ऑरेंज के पील, उसको और कोकोनट ऑयल के साथ हमने अच्छे से पकाया था ताकि उसका सब ऑयल निकल आए, उसको हमने सबको मिक्स करके एंड में एलोवेरा मिक्स करके देखिए क्रीम आ गई। रात को आप लगाएं, दिन में एक टाइम लाजमी लगाएं, बहुत अमेजिंग। और पाँव पे तो ज़रूर इसको यूज़ करें, बहुत अमेजिंग इसका रिजल्ट आएगा, आपके दाग धब्बे झाइयाँ सब दूर होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, बहुत अमेजिंग ये क्रीम है। इस तरह ला के आप रात में अच्छे से मसाज करके हाथ पाँव, क्योंकि सर्दियों में सबके कलर डल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी आज की रेमेडी थी, आपको पसंद आए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा इंस्टा पे पेज है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe this channel and press the bell icon and like, comment, share this video.